हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा पुणे महाराष्ट्र से आपके अपने चैनल अनुज बालकनी एंड विलेज ब्यूटी में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने आज अपने प्लांट्स के लिए ये जो ट्रस बास्केट का वर्मी कंपोस्ट है ये ऑर्डर किया है। मुझे ये 5 किलो का बैग वो अमेजोन से 299 रुपीज़ में मिला है, तो इसका पैकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच बताओ तो फ्रेंड्स, मेरे जो प्लांट्स के लिए मिट्टी खाद सब मैं हमारे गांव से लेके आती हूँ, तो वहाँ से मैं ज़्यादा करके गोबर की खाद मिक्स करके ही लाती हूँ। अभी बहुत दिन से मैं अपने प्लांट्स को सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। इससे पहले मैंने एक बार बाहर से ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट लिया था, लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन आज जो मैंने ऑर्डर किया है उसका जो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब भी हम किसी प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट या खाद देते हैं तो उसकी अच्छी सी गुड़ाई करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसकी थोड़ी सी मिट्टी हम निकाल के उसमें ही वर्मी कंपोस्ट देने वाले हैं। अगर ऐसे ही ऊपर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो वो पानी देने के टाइम पे बह जाएगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से साइड में गुड़ाई करके अभी देखिए ऐसे वर्मी कंपोस्ट देना है साइड से। और इसके ऊपर भी हम लोगों को अच्छे से मिट्टी भी डालनी है, क्योंकि जब भी हम पानी देंगे तो ये पानी से बाहर गिरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा इसी तरह से अपने प्लांट्स को खाद देनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्लांट्स में पानी देंगे तो वो बाहर नहीं गिरेगी और हमारे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो पॉट में नीचे तक होते हैं। हम अच्छे से इनमें पानी देंगे तो वो खाद है वो प्लांट्स के रूट्स तक अच्छे से पहुँच जाएगी। ये जो फरवरी मार्च का महीना है इसमें हमें हमेशा हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें अच्छे से खाद देना ज़रूरी है। और जो भी अब तक डोरमेंसी पीरियड में प्लांट्स है उनको तो अभी खाद देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी जो मैं प्लांट्स को खाद देने वाली हूँ ये मेरा मधुमालती का प्लांट है। तो जैसे इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है मोगरा प्लांट का, तो मोगरा प्लांट, मधुमालती प्लांट और जो भी प्लांट्स अभी तक डोरमेंसी पीरियड में थे उनके लिए अभी खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जो प्लांट्स है ये अच्छे हेल्दी भी रहेंगे और प्लांट्स में अच्छे फ्लावर्स भी आएंगे। हम लोग घर पे ही वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी जो बालकनी गार्डन है उसमें जगह कम होने के कारण मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मेरे प्लांट्स को मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। मेरे प्लांट्स के लिए जो नीम खली और जो फंगीसाइड पाउडर होता है वो मैं अमेजोन से ही ऑर्डर करती हूँ और मुझे उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है। ये खाद भी मुझे आज बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हम प्लांट्स को खाद देंगे तो प्लांट्स भी अच्छे हेल्दी रहते हैं।